हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आंखें फटी रह जाएंगी कचनार के पौधे फूल पत्तों के फायदे जानकर। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। आज मैं आपको ऐसे जड़ी बूटी के बारे में बताऊंगी जिसके बहुत सारे स्वास्थ्य लाभ हैं, यानी वो हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े बीमारी को दूर कर सकती है। लेकिन अगर पूरा देश जान जाए कि ये किस रोग की दवा है, तो बस ये समझ ले कि बेचारा दुर्लभ फूल की श्रेणी में आ जाएगा। प्रकृति ने कई पेड़ पौधों को औषधीय गुणों से भरपूर रखा है। इन्हीं में से एक है कचनार का पेड़, जो कि अधिकतर कंडिक क्षेत्र में पाया जाता है। मार्च मध्य के बाद फूलों से लदने वाले इस पेड़ की पत्तियां, तना व फूल आदि सभी उपयोगी होते हैं। कचनार की गणना सुंदर व उपयोगी वृक्षों में की जाती है। इसकी अनेक प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनमें से गुलाबी कचनार का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। कचनार की फूलों की कली लंबी व हरी व गुलाबी रंगत के लिए होती है। आयुर्वेद में इस वृक्ष को चमत्कारी और औषधीय गुणों से भरपूर बताया गया है। कचनार के फूलों और कलियां वात रोग, जोड़ों में दर्द या फिर इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए विशेष लाभकारी मानी जाती है। इसकी कलियों की सब्जी व फूलों का रायता भी खाने में स्वादिष्ट होता है। इतना ही नहीं, रक्त पित्त फोड़े फुंसियों को भी दूर करने में ये मदद करता है। कचनार का फूल कितना खूबसूरत होता है, देखने से ही बस जी मचल जाता है, और ये भी बहुत ही उपयोगी होता है। इसलिए मैं आपको बताऊंगी कि ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करता है, तो आइए जान लेते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों में ज्यादातर कचनार के छाल का ही उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग शरीर के किसी भी भाग में एक ग्रंथि यानी गांठ को गलाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा रक्त विकार व त्वचा रोग जैसे कि दांत, खाज, खुजली, एक्जिमा, फोड़े फुंसे आदि के लिए भी कचनार बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है, यानी कि कचनार के छाल का उपयोग किया जाता है। इसके कई नाम हैं, जैसे कि संस्कृत में कचनार, हिंदी में कचनार, मराठी में कोरल और गुजराती में कंपाकाटी, बंगला में कांचन, तेलुगु में दे कांचनम, तमिल में मंदारे, कन्नड़ में कैन्यो मंदार और मलयालम में गंधारम, पंजाबी में कुलाड़ कोल, जुर्जुबुज, बुरन इत्यादि, इंग्लिश में माउंटेन, लैटिन बोहनिया, वेरिगेटा इत्यादि कहा जाता है। मात्र इसके छाल के चूर्ण को 3 से 6 ग्राम की मात्रा में उपयोग करना चाहिए। इसके फूलों का रस भी 10 से 20 मिलीलीटर की मात्रा में ही सेवन करना चाहिए और छाल का काढ़ा 40 से 80 मिलीलीटर की मात्रा में ही उपयोग करना चाहिए। कचनार के छाल का महीन पीस कर छना हुआ चूर्ण 3 से 6 ग्राम यानी आधा से 1 चम्मच गर्म पानी के साथ सुबह और शाम लेना चाहिए। इसका काढ़ा बनाकर भी सुबह शाम 4 चम्मच मात्रा में ठंडे पानी में मिलाकर पी सकते हैं। अगर उसमें 1 चम्मच शहद मिला दें तो वो भी ज्यादा उपयोगी होगा। अब जान लेते हैं कि ये कौन कौन से विभिन्न रोगों में भी उपयोगी है। सबसे पहले सूजन। कचनार की जड़ को अगर पानी में घिस कर लेप लगाते हैं तो इससे सूजन कम हो जाती है। इसे गर्म करके इसे थोड़ा थोड़ा गर्म लेप लगा लें सूजन पर, इससे बहुत ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा मूंग के छाले। कचनार के छाल का काढ़ा बनाकर इसमें थोड़ा सा कत्था मिलाकर अगर छाले पर लगाया जाए तो इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा ये बवासीर में भी काफी उपयोगी है। कचनार की 1 चम्मच छाल को 1 कप मट्ठा यानी छाछ के साथ दिन में 3 बार सेवन करने से बवासीर में खून गिरना बंद हो जाता है। इतना ही नहीं, कचनार की कलियों के पाउडर को मक्खन और शक्कर में मिलाकर 11 दिन तक सेवन करने से आंतों में कीड़ों की समस्या खत्म हो जाती है। प्रमेय। कचनार के हरी व सूखी कलियों का चूर्ण और मिश्री मिलाकर प्रयोग किया जाता है। इसके चूर्ण और मिश्री को समान मात्रा में मिलाकर 1-1 चम्मच दिन में 3 बार कुछ हफ्ते तक खाने से प्रमेह रोग भी दूर हो जाता है। इसके अलावा गणमाला। गणमाला यानी गले में गांठ होना। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसमें सौंठ का चूर्ण मिलाकर 1/2 कप की मात्रा में दिन में अगर 3 बार पीते हैं तो इससे गठमाला की बीमारी भी दूर हो जाती है। इसके अलावा भूख ना लगना। कचनार के फूल की कलियां घी में भूनकर अगर सुबह शाम खाते हैं तो इससे भूख बढ़ती है, यानी बहुत सारे लोगों को भूख ना लगने की बीमारी होती है। बहुत लोग पूरे पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते, अगर ऐसे में वो कचनार का सेवन करते हैं वो भी घी में भूनकर, तो उससे भूख बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ये पेट संबंधित बीमारियों को भी दूर करता है। कचनार की छाल का काढ़ा बनाकर इसके 20 मिलीलीटर काढ़े में 1/2 चम्मच अगर पीसी हुई अजवाइन मिलाकर इसका प्रयोग किया जाता है तो काफी ज्यादा लाभ मिलता है गैस में। सुबह शाम भोजन करने के बाद अगर इसका सेवन किया जाए तो अफरा यानी पेट फूलने व गैस की तकलीफ भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, ये खांसी और दमा में भी राहत दिलाता है।
शहद के साथ कचनार की छाल का काढ़ा 2 चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार सेवन करने से खांसी और दमा की तकलीफ भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, ये दांतों का दर्द भी दूर करता है। कचनार के पेड़ की छाल को आग में जलाकर उसके राख को अगर बारीक पीसकर मंजन बना लिया जाए और इस मंजन से सुबह और शाम खाना खाने के बाद दतवन किया जाए तो इससे दांत से जुड़ी जो भी समस्या है, जैसे दांत दर्द या मसूड़े से खून आना, वो सब बंद हो जाएगा और आपके दांत परफेक्ट हो जाएंगे। कचनार के छाल को जलाकर उसके राख को पीसकर मंजन बना लें। इससे मंजन करने से दांतों की सारी तकलीफ दूर हो जाती है, दांतों के रोग भी दूर हो जाते हैं। कचनार के छाल को पानी में उबाल लें और फिर उस उबले हुए पानी को छानकर एक सीसी में भर लें। ये पानी 50-50 मिलीलीटर की मात्रा में गर्म करके रोजाना अगर बार बार कुल्ला किया जाए तो इससे दांतों का हिलना या दर्द, खून निकलना, मसूड़ों की सूजन और पायरिया खत्म हो जाता है। अफरा यानी पेट में गैस होने की समस्या। कचनार की जड़ का काढ़ा अगर बनाकर सेवन करते हैं तो इससे गैस होने की समस्या भी दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, जीभ और त्वचा का भी सुन्न होना ये खत्म कर देता है। यानी कि कचनार के छाल का चूर्ण बनाकर 2-4 ग्राम की मात्रा में खाने से ये रोग में काफी ज्यादा लाभ मिलता है। इसका प्रयोग रोजाना सुबह शाम करने से त्वचा एवं रस ग्रंथियों की भी क्रिया ठीक हो जाती है, त्वचा की सुन्नता भी ठीक हो जाती है। ये कब्ज में भी राहत दिलाता है। कचनार के फूलों को चीनी के साथ घोटकर शरबत की तरह बनाकर सुबह शाम पीने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है और मल भी साफ होता है। कचनार के फूलों का गुलकंद रात में सोने से पहले अगर 2 चम्मच की मात्रा में कुछ दिनों तक सेवन करते हैं तो कब्ज भी दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये कैंसर को भी दूर करता है। कचनार के छाल का काढ़ा अगर बनाकर इसका नियमित रूप से सेवन किया जाता है तो ये पेट का कैंसर भी ठीक कर देता है। ये दस्त का बार बार आना भी खत्म कर देता है। कचनार के छाल का काढ़ा बनाकर दिन में 2 बार खाने से दस्त में भी काफी ज्यादा आराम मिलता है, यानी पेशाब के साथ खून आना। कचनार के फूलों का काढ़ा बनाकर अगर सुबह शाम इसका सेवन करते हैं तो पेशाब में खून आना भी बंद हो जाता है। इसके सेवन से रक्त प्रदर एवं रक्त स्राव आदि भी बंद हो जाता है। ये बवासीर में भी राहत दिलाता है। कचनार के छाल का चूर्ण बना लें और फिर ये चूर्ण 3 ग्राम की मात्रा में 1 ग्लास छाछ के साथ लें। इसका सेवन प्रतिदिन सुबह करने से बवासीर में काफी ज्यादा राहत मिलती है। इसके अलावा खूनी बवासीर यानी कि बवासीर के टाइम पे खून आना ये भी बंद हो जाता है। कचनार का चूर्ण 5 ग्राम की मात्रा में अगर प्रतिदिन इसका सेवन किया जाए तो बवासीर की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके अलावा खूनी दस्त में भी ये काफी फायदेमंद है। दस्त के साथ खून आने पर कचनार के फूलों का काढ़ा सुबह शाम सेवन करने से ठीक हो जाता है। ये खूनी दस्त को ठीक करने में बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। इसके अलावा रक्त पित्त, कचनार के फूलों का चूर्ण बनाकर 1-2 ग्राम चूर्ण सुबह शाम चटाने से रक्त पित्त का रोग भी ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, कचनार का साग खाने से भी रक्त पित्त में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। यदि मुंह में छाले हो गए हैं या फिर मुंह से खून आता है तो कचनार के पत्तों का रस 6 ग्राम की मात्रा में पिएं। इसके सेवन से मुंह से खून आना भी बंद हो जाता है। कचनार के सूखे फूलों का चूर्ण बनाकर इसे रख लें और फिर ये चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में शहद के साथ मिलाकर प्रतिदिन 3 बार सेवन करें। इसके सेवन से रक्त पित्त में भी काफी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके फूलों की सब्जी भी बनाकर खाएं, इससे भी खून का विकार यानी कि खून की खराबी दूर हो जाती है। इसके अलावा कुबड़ापन, अगर कुबड़ापन का रोग बच्चों में है तो बच्चे के पीठ के नीचे कचनार का फूल बिछाकर बच्चे को सुलाना चाहिए। इससे कुबड़ेपन की समस्या भी दूर हो जाती है। लगभग 1 ग्राम का 1/4 भाग कचनार और गुगुल को शहद के साथ मिलाकर सेवन करने से कुबड़ापन भी दूर हो जाता है। कुबड़ापन को दूर करने के लिए कचनार का सेवन करना ही चाहिए। इसके अलावा ये घाव के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। कचनार के छाल का काढ़ा बनाकर सुबह शाम पीने से घाव ठीक हो जाता है। इसके काढ़े से घाव को धोना भी चाहिए, इससे भी काफी लाभ मिलता है। इसके अलावा जिन महिलाओं को स्तनों की गांठ यानी कि स्तन में गांठ हो जाती है उनके लिए भी ये फायदेमंद है, जैसे कि रसुली। कचनार के छाल को पीसकर चूर्ण बना लें। इस चूर्ण को लगभग 1/2 ग्राम की मात्रा में सौंठ और चावल के पानी यानी कि धोन के साथ मिलाकर पिए। ऐसा करने से स्तनों की गांठ में बहुत ज्यादा आराम मिलता है और इसका लेप बनाकर भी आप लगा सकते हैं, इससे भी गांठ ठीक हो जाती है। उपदंश यानी कि गर्मी का रोग या सिलिफिन, कचनार की छाल, इंद्रायन की जड़ और बबूल की फली, छोटे कटेरी की जड़ व पत्ते और पुराना गुड़ 125 ग्राम, इन सभी को अगर 2.80 ग्राम पानी में मिलाकर मिट्टी के बर्तन में पका लें। इसके बाद कि पकने के बाद जब ये थोड़ा सा बच्चा यानी आधा हो जाए उसके बाद इसे उतार कर छान लीजिए और फिर इसे एक बोतल में भर कर रख दीजिए। इसका सेवन आपको रोज सुबह शाम करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जो गर्मी की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी।
इसके अलावा ये सिर के फोड़े को भी दूर करता है। कचनार की छाल, वरना की जड़ और सौंफ को मिलाकर काढ़ा बना लें। ये काढ़ा लगभग 20 से 40 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पीना चाहिए। इसके सेवन से फोड़ा पक जाता है और ठीक हो जाता है। इसके काढ़े को भी फोड़े पे लगा सकते हैं, इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। चेचक यानी कि मसूरी का, कचनार के छाल को उसका काढ़ा बनाकर और फिर उसमें सोने की राख डालकर सुबह शाम रोगी को पिलाना चाहिए, इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया, गले की गांठ, कचनार के छाल का काढ़ा बनाकर इसके 25 ग्राम काढ़े में सौंठ को मिलाकर अगर सुबह शाम इसका सेवन किया जाए तो इससे गले की गांठ में काफी ज्यादा आराम मिलता है। इतना ही नहीं, गल कोश की सूजन में भी काफी फायदेमंद होता है। खैर यानी कि कत्था और दारिम पुष्प और कचनार की छाल, इन तीनों को मिलाकर अगर इसका काढ़ा बना लिया जाए और इससे सुबह शाम अगर आप गरारा करते हैं तो इससे सूजन काफी ज्यादा कम हो जाती है, यानी कि सूजन मिट जाती है। सिनवार के सूखे पत्ते को धूम्रपान की तरह प्रयोग करने से भी रोग में काफी ज्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा गला बैठने की समस्या को भी ये दूर करता है। कचनार मुंह में रखकर अगर इसे चबाया जाए या फिर चूसा जाए तो इससे गला साफ हो जाता है। इसको चबाने से आवाज मधुर यानी कि मीठी भी हो जाती है। इतना ही नहीं, ये गाना गाने वाले व्यक्तियों के लिए भी काफी ज्यादा विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। कचनार के फूल थायराइड की सबसे अच्छी दवा मानी जाती है। लीवर में कोई तकलीफ हो या फिर कोई भी परेशानी है तो कचनार की जड़ का काढ़ा बनाकर पिए, इससे काफी ज्यादा लाभ मिलता है। ये तो थे इसके फायदे और ये किन किन परेशानियों से छुटकारा दिलाते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कचनार गर्म होता है, इसलिए इसे आप ज्यादा मात्रा में ना लें, इसे कम ही मात्रा में उपयोग करें। इससे आपको कब्ज होने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊंगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।